हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। ये सिलेबस DDU GK यानी गोरखपुर विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाया जाता है। पहला होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तीनों ग्रुप को पढ़ना होता है, चाहे वो फाइनेंस ग्रुप का हो या मार्केटिंग ग्रुप का हो या एचआर ग्रुप का हो। तो तीनों ग्रुप में कोई हो, चाहे फाइनेंस मार्केटिंग या एचआर, सबको पढ़ना होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी कि इसको ये जानते हैं तो कंप्यूटर पेपर होता है, इसका पेपर होता है कंप्यूटर का, इसका पूरे कंप्यूटर के बारे में जानकारी दी जाती है। फिर आता है स्पेशलाइजेशन फर्स्ट, स्पेशलाइजेशन सेकेंड और स्पेशलाइजेशन थर्ड। ये कंपल्सरी पेपर होते हैं, ये कंपल्सरी पेपर होते हैं ग्रुप वाइज। जैसे आप फाइनेंस के हैं तो आपको तीन पेपर पढ़ना है, मार्केटिंग के हैं तो तीन पढ़ना है, एचआर के हैं तो तीन पढ़ना है। कौन कौन से पेपर होते हैं, यदि आप फाइनेंस ग्रुप से, यदि आप फाइनेंस ग्रुप लिए हैं तो आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग मैनेजमेंट। यदि आपको किसमें पढ़ना है, फाइनेंस ग्रुप में। मार्केटिंग पढ़ना है रिटेलिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मार्केटिंग का पढ़ना है रिटेलिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट, प्रोडक्ट ब्रांड मैनेजमेंट, सिक्योरिटी इंडस्ट्रियल मार्केटिंग, ये किसमें पढ़ना है, मार्केटिंग में पढ़ना है। एचआर में कौन कौन से पेपर पढ़ना है, एचआर में पढ़ना है कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड स्ट्रेटेजिक नेगोशिएशन, कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड स्ट्रेटेजिक नेगोशिएशन। फिर पढ़ना है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर पढ़ना है परफॉर्मेंस एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट। अब ध्यान दीजिए, आपको हर साल जो पांचवा पेपर पढ़ना होता है उसका नाम होता है प्रोजेक्ट। यानी कि आपको हर साल यानी पर ईयर आपको हर सेमेस्टर में एक रिसर्च फाइल बनानी होती है, रिसर्च फाइल बनानी होती है जो 60 पेज में आप बनाते हैं, 60 पेज में आप बनाते हैं। और इस प्रोजेक्ट फाइल पे आपको 100 मार्क्स का होता है। प्रोजेक्ट फाइल जो वर्क सेमेस्टर में बनाना है, फर्स्ट सेमेस्टर में बनाना है, सेकंड में बनाना है, थर्ड में बनाना है और फोर्थ में बनाना है। सब में आपको बनाना है रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है जो 60 पेज का आपको बनाना है, उसको भी सबमिट करना है। 100 मार्क्स का होगा तो वहाँ से एग्जामिनर आएगा, उसको एग्जाम देगा, उस एग्जाम पे आपको जिस विषय पर बताएंगे उस विषय पर क्या कर देगा, आपको नंबर दे देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किस एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट है। पहला कंपल्सरी पेपर है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये जो सबको पढ़ना है, क्या करना है कि सबको पढ़ना है। ठीक है, फिर आपका स्पेशलाइजेशन फर्स्ट, स्पेशलाइजेशन सेकंड, स्पेशलाइजेशन थर्ड, ये तीन पेपर है। यानी फाइनेंस का तो तीन पेपर पढ़ने, मार्केटिंग के तीन पेपर पढ़ने, एचआर का आपको तीन पेपर पढ़ने। गोरखपुर विश्वविद्यालय में तीन ही स्पेशलाइजेशन चलता है, एमकॉम में गोरखपुर विश्वविद्यालय में तीन स्पेशलाइजेशन चलता है, फाइनेंस मार्केटिंग और एचआर, फाइनेंस मार्केटिंग और एचआर। फाइनेंस में आप जब फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे, इसमें जब फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे आपको फाइनेंस के लिए भी आपको पेपर मिलेंगे, मार्केटिंग के लिए भी मिलेंगे और एचआर में ये तीन पेपर मिलेंगे। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर के लिए हम चारों के चारों वीडियो लाते आएंगे। चैनल का नाम है केतु या कॉमर्स वाले, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक